हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अलग अलग आई हुई अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको सबको पता है कि कुछ कैटेगरी को कुछ पोस्ट को री एडवर्टीज किया है, और ये मोस्ट अवेटेड जो कैटेगरी है जिसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं उन्हीं को किया गया है। तो आप सभी को पता है 56-57 हो गया कैटेगरी, 1-2 हो गया हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी है उनका हो गया। 20 ग्रुप ग्रुप के ऊपर पता नहीं क्या ही करेंगे। करना है जो अभी कर लीजिए, 2 ही महीने हैं, जुलाई और अगस्त, सितंबर में आपके आचार संहिता लग जाएगी, मिड ऑफ द सितंबर। तो क्या मतलब 3 महीने पेपर ही लेते रहेंगे? रिजल्ट भी निकालना है, डीवी भी कराना है, अक्टूबर में इनके इलेक्शन है, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर देखो, आयोग ने उम्मीदवारों को एक ही सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग पदों के लिए आवेदन करने की सहूलियत दी है। क्या सहूलियत दी है? एक तो इनकी वो नहीं चलती पोर्टल वगैरह, इनका पता नहीं कैसा पोर्टल बनाते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के पुनर्विज्ञापित जो री एडवर्टीजमेंट पद हैं उनके लिए आवेदन मांगे। उनमें से उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट के लिए कैटेगरी अनुसार शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। पिछली बार ग्रुप अनुसार ग्रुप में शामिल सभी कैटेगरी में से अगर कोई उम्मीदवार एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए पात्र था तो उसे केवल एक उम्मीदवार मानकर से इस कैटेगरी के लिए दूसरे उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टेड किया गया था। मगर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आयोग के शॉर्टलिस्टेड करने के तरीके को गलत बताया है, और अदालत ने फैसले के पैरा नंबर 61 में लिखा है कि उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टिंग के संबंध में आयोग का तर्क भी योग्यता के आधार पर स्वीकार्य नहीं पाया गया। यह ध्यान देने हो गया कि अलपनामे के अनुसार आयोग ने 401 श्रेणियों का विज्ञापन जारी किया, जिनमें से 63 इन्होंने ग्रुप बनाए और जिनके लिए समान शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता थी। प्रत्येक 401 श्रेणियों के लिए आवेदन पत्र भरने के बजाय उम्मीदवारों को श्रेणियों को भरने का विकल्प दिया गया था, और ये उम्मीदवारों पर निर्भर था कि वो पदों के लिए आवश्यक अपनी योग्यता अनुसार या अनुभव आदि के अनुसार श्रेणी व समूह के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए उम्मीदवार पर पदों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड करने का फॉर्मूला चेंज हो गया है। आयोग ने री एडवर्टाइजमेंट किए हुए आवेदन मांगे हैं और आगे शॉर्टलिस्टेड अब कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे एग्जांपल देखो, अगर ग्रुप नंबर 56 में कैटेगरी नंबर 324 केनाल पटवारी के 1440 पद हैं, तो कैटेगरी नंबर 334 लैंड रिकॉर्ड पटवारी के 1213, जबकि कैटेगरी नंबर 335 PWD B&R पटवारी के 23 पद हैं। इनके लिए शॉर्टलिस्टेड यूँ होगा कि कैटेगरी नंबर 324 के लिए 1440 का 4 गुना यानी कि 5760 उम्मीदवार जो कि अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी से शॉर्टलिस्टेड होंगे। कैटेगरी नंबर 334 के लिए 1213 गुना यानी कि 4 गुना इनके होंगे। 4852 उम्मीदवारों को रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, और कैटेगरी नंबर 335 के 335 नंबर जो कैटेगरी है उसमें जो 23 पोस्ट हैं उसका 5 गुना बुलाएंगे, क्योंकि 30 से कम है ना ये पोस्ट, तो ये 5 गुना बुलाएंगे। इस तरीके से अब शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर के जरिए उम्मीदवारों से अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करवा रहा है। उम्मीदवारों की पूरी जानकारी एक बार भरनी है, जबकि उम्मीदवार कैटेगरी के अकॉर्डिंग जब चयन करता है तो उसे हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी योग्यता वाले सभी दस्तावेज अपलोड करने पड़ते हैं। इस तरह उम्मीदवार को हर कैटेगरी यानी पोस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वो अपनी जो आवेदन पद के अनुसार अपलोड कर सकता है। पिछली बार आयोग ने उम्मीदवार से कैटेगरी का चयन करवाया था। इसके अलावा एडिशनल योग्यता भी, मतलब अगर आपके पास वहाँ की एलिजिबिलिटी पोस्ट के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी से ज़्यादा एलिजिबिलिटी है तो भी आपके लिए कॉलम दिया था, और जिससे आयोग को भी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टेड करते समय एडिशनल योग्यता वाले प्रमाण पत्रों को चेक करना पड़ा था। इस बार पदों का आवेदन अलग अलग हो रहा है, इसलिए शॉर्टलिस्टिंग भी आसानी से हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि CET क्वालिफाई को लेकर बच्चे पहुंच गए हैं पंचकुला, और यहाँ पर देख रहे हैं कि सैकड़ों उम्मीदवार पहुँचे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के अभी तक CET का, ऑब्वियसली इन्होंने कहा था कि हम हर साल CET लेंगे, और एक बार का लिया हुआ CET 3 साल तक वैलिड रहेगा। दूसरी बात यह है कि वर्ष 2023 में ग्रुप सी हुआ और 2024 में ग्रुप डी के लिए CET हुआ। इसी बीच बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या कैंडिडेट हैं जिन्होंने 10+2 कर ली है या डिप्लोमा भी हो गया उनका 2 साल का, तो ऑब्वियसली उनको भी हक है, वो भी एलिजिबल हैं कि वो CET दे पाएँ। लेकिन हमारी सरकार के द्वारा कह लो या आयोग के द्वारा CET एक ही बार बड़ी मुश्किल से लिया गया है, 2021 से लेकर 2024 आ गया है, 3 साल हो गए हैं इनसे, एक एक बार CET लिया गया वो भी बड़ी मुश्किल से, और अभी तक भर्तियां भी नहीं हो पाई हैं CET के बेस पर।
इसी को लेकर जो कैंडिडेट पहुंचे हैं पंचकुला, उनकी मांग ये है कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाए। ये अपडेट थी आपकी, जितनी भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अपडेट दी गई है, न्यू आने वाली भर्ती या फिर हो रही जो भर्तियां हैं या इन्होंने री एडवर्टीज की हैं उनके लिए। आपको अपडेट कैसी लगी है बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।